For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. आज से कुछ साल पहले भाईजान सलमान खान ने एक इंटरव्यू में बोला था कि यार मैं ये जो विलन विलन और ये जो एंटी हीरो टाइप की इमेज होती है मैं उसको पोर्ट्रे नहीं करना चाहता, मैं हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जो कि गुड है, अपनी मॉरल वैल्यूज़ के साथ है और लोग जब भी फिल्म देख कर घर जाएँ तो उस बंदे की यादें उनके दिमाग में जहन में बस जाए। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सलमान खान ने यू टर्न लिया है और वो बन गए हैं विलन। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रेस 3 की। अंदर के जो मेरे खास दोस्त हैं उन्होंने बताया है कि रेस 3 में सलमान खान जो बिजनेसमैन बने हैं, बिजनेस टाइकून बने हैं, ये एक साइकोलॉजिकल विलन है। जी हाँ दोस्तों, बता दूँ आपको साइकोलॉजिकल विलन क्या होते हैं, जो कि अपने दिमाग से माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ये देखिए बॉलीवुड में है ना, क्या है कि एक टिपिकल विलन की जो है डेफिनेशन है कि विलन जो होता है वो गंदा सा दिखता है, उसकी बड़ी बड़ी मूंछें होती हैं, या फिर वो औरतों के साथ बदतमीज़ी करता है, या लोगों को फालतू में मारता रहता है, अल्कोहल पीता है, वगैरह वगैरह। इस तरीके की स्टीरियोटाइप इमेज है बॉलीवुड में विलन्स की। लेकिन नाउ इट्स चेंजिंग दोस्तों, और भाईजान उसको चेंज कर रहे हैं। भाईजान इसमें प्ले कर रहे हैं रेस 3 में एक साइकोलॉजिकल विलन। देखना मज़ेदार रहेगा कि भाईजान किस तरीके से ये इमेज को पोर्ट्रे कर पाएंगे, किस तरीके से वो जो ग्रे शेड होता है ना भाईजान अपनी एक्टिंग में ला पाएंगे। आई एम श्योर भाईजान तो धमाल मचाने ही वाले हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे जहन में सलमान खान सर की एक इमेज जो है वो एक ऐसी है कि यार ये बंदा है ना वेरी गुड है, मतलब ये कभी गलत कर ही नहीं सकता। ऐसे में रेस 3 में देखना मज़ेदार होगा। आपको क्या लगता है, आर यू गाइज एक्साइटेड टू सी भाईजान एज अ विलन? हाँ, जो भी कहना है कमेंट सेक्शन आपका है, डेफिनेटली कमेंट करना। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स के लिए वॉच चैनल फिल्मी आरा विद मी राहुल भोज रेस 3।